गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्टार्टिंग अ न्यू व्लॉग। वी आर इन ले। अभी हम लोग हैं ले में, और आज हम लोग ये होटल, जिस होटल में हम लोग रुके थे, जो मैंने आपको रूम टूर दिया था, वो हम कर रहे हैं चेकआउट चेकआउट कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी लेट ट्रिप एंड हो रही है, अभी हमारे तो बहुत सारे दिन बाकी है भाई। तो आज हम निकल रहे हैं ये होटल से, और जाने के लिए हम जा रहे हैं एक्चुअली अपनी दूसरी लोकेशन पे, जो है नोबरा इसका वैली। जो प्लान है ना, वो बेसिकली ऐसा है कि नोबरा वैली के लिए अभी हम लोग 9 साढ़े 9 बजे निकलेंगे, और अराउंड 6 आवर्स लगेगा नोबरा वैली पहुंचने में। बट नोबरा वैली पहुंचते पहुंचते काफ़ी सारे साइट सीइंग वाले चीज़ें हैं रास्ते में, तो वहां भी जाने वाले, तो उस हिसाब से व्लॉग शूट करेंगे, देखेंगे एंडिंग का। पर कंटिन्यूटी में पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरीके से मैं कंटिन्यू कर दूंगा, बट काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि नोबरा वैली और इससे ज़्यादा हाइट पे है। और उसके बाद पेंगोंग लेक उसके बाद है, पेंगोंग लेक है जो इससे भी ज़्यादा हाइट पे है भाई, तो वो बहुत बहुत क्रेजी होने वाला है, काफ़ी मज़ा आएगा। तो अभी बस हम लोग जाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट करके तुरंत ही चेकआउट कर देंगे, और फिर लास्ट वाले दिन हमारा इसी होटल में चेक इन है। जो लास्ट वाला दिन है वो हम वापस इसी होटल में आएंगे, चेक इन करेंगे। गाइज़ अभी तो रूम में चेकआउट तो नहीं किया है, बट अभी थोड़ा वापस ब्रेकफास्ट का टाइम हुआ नहीं है, तो अभी ब्रेकफास्ट का वेट कर रहे हैं। सब लोग रेडी नहीं हुए अभी तक, जैसे ही सब रेडी होते हैं तो हम लोग जाएंगे, बट मैं थोड़ा पहले ही आ गया अपनी चाय पीने। और आप ये होटल को लास्ट बार देख लो। फर्स्ट स्टॉप वी हैव टेकन फ्रॉम फॉर व्यू पॉइंट। यहाँ पे बहुत अच्छी पिक्चर्स आती है, मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट लुक एट दिस व्यू। अभी हमें यहाँ जाना है। फाइनली वी हैव रीच राइट नाउ खारदुंगला पास। हम लोग बहुत ऊपर आ गए, बहुत ठंड बढ़ गई है। यहाँ का व्यू दिखा देते हैं, काफ़ी भीड़ है, सब लोग यहाँ पे 10-15 मिनट का हॉल्ट देते हैं, चाय वाय पीते हैं, नाश्ता वास्ता करते हैं। आपको दिखाता हूँ कितनी हाइट पे अभी हम लोग। दिस इज खारदुंगला पास। यहाँ पे ऐसे आपको स्टॉल्स मिल जाएंगे चाय नाश्ता। सो वी आर एट 117,982 फीट एल्टीट्यूड। एक अच्छा व्यू दिखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत बढ़िया व्यू है यहाँ से। लुक एट दिस व्यू गाइस। यह है खारदुंगला पास। यहाँ पे ठंडी हवा बहुत है। अभी खारदुंगला पास से हम लोग जाएंगे नोबरा वैली। बस अभी रुकते रुकाते आ रहे हैं हम लोग, ताकि हॉल्ट भी मिल जाए, एंड पानी पीना बहुत पड़ रहा है, ब्रीथिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, बट ठीक है, इधर तो मैनेजेबल है। सो फार सो गुड। गाइस वी आर एट वर्ल्ड्स हाईएस्ट पॉइंट खारदुंगला पास। यहाँ पे एक्चुअली में ब्रीथिंग प्रॉब्लम बहुत है, एंड लिटरली आई कैन फील इट, आई कैन नॉट ब्रीथ, बट द एक्सपीरियंस इज वे टू गुड गाइस, वे टू गुड। ऑलराइट, या
दिस इज आवर सेकेंड स्टॉप फॉर फूड. लंच के लिए हम लोग रुके, अभी बज रहे हैं दोपहर के 2. लंच करके फिर निकलेंगे. यहाँ पे आपको एक व्यू दिखा देता हूँ. दिस इज हाउ द व्यू इज. एंड यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं. ये अपनी गाड़ी, अपना लगेज. वी हैव नाउ रीच्ड दिस्कित. दिस्कित बुद्धा का स्टैचू है यहाँ पे, बहुत बड़ा. एंड यहाँ पे काफी चलना है हम सबको. दिस इज द प्लेस दिस्कित, जहाँ पे ऐसा व्यू है. और अभी हमें वहां तक जाना है. ये है मेन बुद्धा स्टैचू, जो काफ़ी बड़ा है. इट्स वेरी ह्यूज. इधर थोड़ा चलना पड़ेगा हम सबको. एंड दिस इज द मोनेस्ट्री, जो इसके बाद शायद हम जाने वाले हैं यहाँ पे. This is the main statue of Buddha, Diskit. Thoda chalna pada, but that is worth it, guys. And the best part over here is the view, which we are getting it from this Diskit monastery. Look at these mountains. Honestly, कहो तो कैमरा इतना जज नहीं कर रहा है, बट जो हम लाइव देख पा रहे हैं ना, टू बी ऑनेस्ट, दैट्स दिस इज अमेजिंग गाइस. Guys, this is the way to come to sand dunes. We are in sand dunes. अभी हम लोग last हम लोग थे मोनेस्ट्री में, डिस्ट्रिक्ट मोनेस्ट्री. अभी हम सैंड ड्यून्स में हैं. बेसिकली सैंड ड्यून्स में सैंड एंड ऑल है. पीछे आपको जो दिख रहा है ना, ये सैंड वो है. थोड़ा अच्छा खासा व्यू है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ. सो दिस इज द लद्दाखी ड्रेस, कल्चरल एक्टिविटी वाला जो है, लद्दाखी वाला, वो ये है. यहाँ पे बेसिकली कैमल राइड और ये सब होती है. ये हिस्ट्री के बारे में सैंड ड्यून्स. बेसिकली यही एक सैंड ड्यून्स है. यहाँ पे ऐसे एक्टिविटीज हैं, आर्चरी है, कैमल राइड है, एटीवी बाइक्स है. यहाँ आपको दिख रहा होगा कैमल राइड. सो यहाँ यही सब एक्टिविटीज़ है. बट एक्टिविटीज से ज़्यादा तो मुझे ये व्यू बहुत प्यारा लग रहा है. ये देखो, गाइज, वी हैव रीच्ड नुब्रा इको विलेज, जहाँ पे हमारा 2 दिन का स्टे है.
सो अभी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट करेंगे रूम टूर और होटल टूर के साथ। तो क्योंकि ज़्यादा लंबा ब्लॉग करना नहीं, आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके ज़रूर डालना। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन स्टे सेफ, बाय, टेक केयर।